ये हमारे पास है चार्जिंग कार, बच्चों की जो है किड्स की चार्जिंग कार और चार्जिंग बाइक की वायरिंग डायग्राम विदाउट रिसीविंग बॉक्स, डायरेक्ट मोटर जिस पे चलेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि ये कैसे सारा वायरिंग और डायग्राम बनी हुई है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये देखने वाली है, ये स्विच आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है, ये रिवर्स और फॉरवर्ड वाला। इसमें आपने एक वायर जो है, ये दो दो फर्स्ट पिन जो है इनको इस वाली पिन और इस पिन के साथ, इसमें एक पिन जो है ये प्लस और माइनस का सर्किट है, ये दोनों में प्लस और माइनस। अब प्लस का जो सर्किट है वो ये आपको ऐसे डाल रहा है, प्लस का यहाँ से सर्किट जो जा रहा है वो प्लस का सर्किट, ये वायर यहाँ से क्रॉस इसको लग रही है, ये प्लस का सर्किट है, यहाँ से प्लस वायर जो है वो क्रॉस इसको आगे लग रही है इस पर। इस तरह ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव क्रॉस आके दूसरी साइड पे ऊपर इसको नेगेटिव लग रही है। और इसमें ये जो दरमियान में है इस पर एक वायर निकली है, ये वायर एक दरमियान में जो है ये जाके सर्किट आपका पैडल को जा रहा है, एक वायर ये पैडल को आ रही है, ठीक हो गया। और इसमें जो साठ दूसरी सेकंड एक वायर है वो सेकंड वायर ये आपकी आ रही है, ये वायर आपकी आके ये डायरेक्ट जा रही है मोटर को, ये मोटर पे आ गई, ठीक हो गया। और इधर से आपने इस चीज़ का आपको पता लग गया, बाकी एक वायर आपकी यहाँ से जो निकल रही है प्लस को और एक नेगेटिव को, दो ये वायर जो निकली हैं, इसका मैं आपको सर्किट बता देता हूँ इसका क्या चीज़ होगा। इसमें अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले चार्जिंग वाला पोर्शन, ये चार्जिंग है, इसमें होते हैं हमारे पास तीन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको ज़रा इसमें टेप उतार के ज़रा डिटेल में बताता हूँ। ये होती है हमारी चार्जिंग सॉकेट, ठीक है, इसमें ये वाला जो है पॉइंट ये प्लस का है, इसमें आपको ये वाला पॉइंट जो है ये प्लस का है, ये सिंगल वाला, और ये दो जो बाकी के हैं ये नेगेटिव के हैं इसके। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें एक जो वायर आ रही है नेगेटिव की, वो नेगेटिव बैटरी को जा रही है, ये दो नेगेटिव की वायर्स हैं इसमें, ये दोनों, ठीक है, और एक ये पॉजिटिव की जो मैंने आपको दिखाया था नीचे से, ये पॉजिटिव, ये इसमें एक ये प्लस की है, ये बैटरी को प्लस का एक वायर ये वाली, और ये एक जो है वायर लगेगी नेगेटिव को, जो नेगेटिव की एक आ रही है यहाँ से, इसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की, दोनों वायर्स आ गई बैटरी को। एक अब इसी में से जो पॉजिटिव की एक जो वायर है इसमें से ही एक सर्किट दे के, ये देखे मैंने, ये जा रही है प्लस की जो वायर है, ये जाके ये वायरिंग इसमें आ रही है स्विच में, स्विच में पावर की। और एक इसमें जो इसी में से एक और जो वायर है वो भी आ रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, दो दो वायर्स हैं, ठीक है, एक प्लस की आके डायरेक्ट इसको लग रही है, सॉरी मैं कैमरा नहीं आपको दिखा सका, ये प्लस का इधर से सर्किट आपको मैंने दिखाया है, जो प्लस की वायर आके वो यहाँ से आके ये इसमें स्विच में आ रही है पावर में, ये देखें ये पावर की ये वाली ये वायर, ठीक हो गया, ये मैंने स्विच में लगी हुई ये। और एक ये वाली जो है ये जो मैंने आपको बताया था कि स्विच से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, अच्छा ये आपको दिखा दी। उसके बाद इसमें एक ये जो मैं आपको दिखा रहा था प्लस को नेगेटिव की, एक प्लस की जो आ रही है वो स्विच में ये प्लस, और इधर से ही ये मैंने एक और वायर निकाली है ये प्लस की जो,
ये देखें, ये बेसिकली अगर आपने कोई लाइटिंग वगैरह या इसके साथ MP3 जो प्लेयर होता है छोटी म्यूज़िक MP3 प्लेयर वो लगाना है, उसके लिए एक मैंने वायर या कोई भी वायरिंग आपने करनी है उसको आप यहाँ से वायरिंग सारी सप्लाई आगे दे सकते हैं प्लस की, ठीक हो गया। और एक जो वायर यहाँ से मैंने दो वायर थी, एक आपको मैंने वायर बैटरी पे नेगेटिव की और एक वायर जो आ रही थी वो ये स्विच पे आ रही थी नेगेटिव, ये ठीक हो गया। और ये नेगेटिव जो एक है ये आ गई इसी तरह, एक नेगेटिव जैसे मैंने प्लस की थी यहाँ से स्विच से एक प्लस की ली थी यहाँ पे, इसी तरह यहाँ से भी एक नेगेटिव पीछे से जो चार्जिंग सॉकेट है वहाँ से आ रही है नेगेटिव एक यहाँ पे, और यहाँ से कनेक्शन जो है एक नेगेटिव का इस स्विच को जा रहा है, इस बटन को नेगेटिव ये वाला जो है ये वायर ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आगे इसी तरह एक मैंने इसमें से वायर निकाली है नेगेटिव की, ये जो MP3 जो मैंने आपको पहले बताया है म्यूज़िक प्लेयर वगैरह यहाँ वायरिंग लाइटिंग की वायरिंग है उसको सप्लाई देनी है, तो आपने इधर से सप्लाई देनी है। ये बेसिकली पावर है बटन हमारा और ये आगे इसकी सप्लाई मैंने आपको बता दी है। अब ये बटन की भी सारी आपको समझ लगी होगी वायरिंग की, होपफुली ना समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ये मैंने आपको बैटरी अटैच करके भी मैंने कहा दिखा दूँ, ये बैटरी अटैच की है मैंने इसके साथ 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की। अब इसको मैं ये आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। ये प्लस और नेगेटिव की वायर लगा दी, ये बटन है इधर से हमने पावर का ऑन किया, ये पैडल की मैंने आपको दिखाई थी जो वायर्स हैं इनको आप आपस में चलाएँ, और तो मैं स्विच इसका सॉरी ऑन कर लूँ, स्विच ऑन किया और इस पैडल को हमने चलाया, ये आपके सामने मोटर से ठीक हो। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें ये मैंने इस मोटर को चलाया ठीक हो गया। इसी तरह ये मोटर को मैं इधर से बूट स्विच चेंज करके अब आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए गया ठीक हो गया। दरमियान में करें तो ये न्यूट्रल है, ये देखें ये वर्क नहीं कर रहा, दरमियान में न्यूट्रल पूरा सर्किट अब चलेगा ठीक हो गया। हम इसको आपको जैसे बंद किया ये सर्किट बंद हो गया, होपफुली आपको सारी समझ लग गई होगी इस सर्किट की, इस डायग्राम की। इन केस अगर नहीं समझ लगती तो ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इसमें कोई ऐसा जितना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है काम, तो आप अगर कोई किसी किस्म का मसला आपको आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। बाकी अगर 12 वोल्ट की और 6 वोल्ट की जो रिसीविंग बॉक्स के साथ डायग्राम है वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा कंप्लीट, उसमें भी आपको इजीली सारा कुछ समझ लग जाएगा। थैंक यू सो मच।